या भी सेलेब सी के ऊपर हो और ये समंदर मलेशिया और फिलीपींस के बीच मौजूद है। मैं अभी ऐसे टापुओं की ओर जा रहा हूँ जहाँ शायद कोई बस्ती नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीप का हिस्सा है। मलेशिया की भूंगे की चट्टाने कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है और वो काफी बड़ा है, करीब करीब ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे बीहद टापुओं पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। मैं भी वहाँ जहाज हादसे में बचे एक आदमी की भूमिका निभाने वाला हूँ। ऊंचाई पर जाना होगा और ऊपर चलो। हाँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पास 20 सेकंड है। हम करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। मुझे वहाँ बहुत सावधानी से कूदना होगा। पैर बाहर निकल रहे हैं। ये मैं चला। मैं अभी टर्मिनल वेलोसिटी पर हूँ, करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से टापू में आसानी से घुस सकूं। मैं टापू पर नहीं उतर सकता, वहाँ ऊंचे पहाड़ और पेड़ हैं। समंदर का किनारा काफी संकरा है और मूंगे की चट्टान मेरे चीथड़े कर देगी। मैं गहरे पानी की ओर जा रहा हूँ। मुझे बहुत सावधानी से उतरना पड़ेगा। नीचे विशाल महासागर है, इसलिए मैं दूरी का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा। मैं पानी से टकराने वाला हूँ। मुझे सीधा इसके अंदर जाना होगा। अब मुझे इससे छुटकारा पाकर किनारे की ओर जाना होगा। यहाँ से किनारा ज्यादा दूर नहीं लग रहा, लेकिन अनुभव से जानता हूँ कि समंदर में दूरी का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार जिसे हम आधा मील की दूरी समझते हैं, उसे भी पार करने में काफी वक्त लग जाता है। इस जगह पर तुम्हें मेरे करीब ही रहना होगा। मूंगे की चट्टान पर सावधान रहना होगा, अगर कहीं चोट लग गई तो मुसीबत हो जाएगी।